बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। झंग बाजार की माई झंडी। मैं इतनी दुनिया फिरी पर झंग बाजार की माई झंडी के सिवा कोई ऐसा नहीं मिला जो ठोंग बजाकर कहता हो कि उसने अल्लाह को देखा है। मुझे नहीं पता कि माई झंडी कौन थी, काफिर, पागल, जाहिल या फिर कोई मंसूब, पर मैंने इसे बड़े यकीन से बार बार कहते सुना है कि उसने अल्लाह को देखा है। वो कहती, मैंने अल्लाह को देखा, अल्लाह ने मुझे देखा और वो हंस पड़ा। वो पुराना दौर था, लोगों का इलम कम पर दिल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि क्या खबर इसमें वाकई अल्लाह पाक रहता भी हो। उनका दिल इतना बड़ा था कि मौलवी साहब की बड़बड़ाहटों के बावजूद महल्ले के लोग माई झंडी को कबूल किए हुए थे। भले इनमें से शायद सभी ये समझते हों कि माई झंडी सठिया गई है, भले इनमें से चंद एक को शक भी गुजरता हो कि कहीं माई के ये जुमले कुफर की जद में तो नहीं आ जाते, मगर फिर भी इनका दिल नहीं मानता था कि अल्लाह पाक का नाम इतनी मोहब्बत से लेने वाले को दिल में भी बुरा जान ले। झंग बाजार में एक पुराने मंदिर के अहाते के बीचों बीच बरगद का एक दरख्त था, जिसके करीब बहुत सी झाड़ियाँ भी थीं। शायद इन झाड़ियों के करीब बैठने की वजह से इसे माई झंडी कहा जाता था। माई सुबह तड़के बरगद के दरख्त तले आन बैठती, जहाँ इसके बेटे का कोलो था, और सारा दिन सरगोशियों में बैल से बातें किए जाती। हमने कई बार कान लगाकर सुनने की कोशिश भी की कि वो क्या बोलती है, फिर कभी समझ नहीं पाए। इससे पूछते तो कहती कि बैल को समझाती हूँ, हौसला देती हूँ, बेचारा बड़ा अकेला है, मैं बातें करती रहूँ तो बैल तेज चलता है, घबराता नहीं है। हमारे पास इसकी बात को जांचने का कोई जरिया नहीं था कि हमने इसे हमेशा वहीं बैठे बैलों से बातें करते ही सुना। वो अपने इस काम को बड़ी लगन और बड़ी जिम्मेदारी से करती थी। कई बार तो बुखार में तपती, सर्दी से ठठरती, पागलों की तरह कांपती रहती, मगर इस मूड़े से ना उठती। इसके बेटे बहू ने बड़ी मोहब्बत से तंग आकर गुस्से से समझाने की कोशिश की कि धंधे की जगह छोड़, वो घर में आराम करें, पर वो किसी की ना सुनती और हर सुबह बड़े इल्तिजाम से वहां पहुंच जाती। बेलों के साथ हर आने वाले ग्राहक से भी बात करना भी ना भूलती। वो हर एक से कुछ ना कुछ जरूर कहती, कोई दुआ, कोई सवाल, कोई चुपता हुआ जुमला। लगता था जैसे बेलों की तरह इसका ग्राहकों से भी बात करना बहुत ज़रूरी हो। ग्राहकों का हौसला बढ़ाने के लिए जैसे वो ग्राहकों से बातें करते रहेगी तो उसके बेटे का धंधा ज़्यादा चलेगा। इसके बेटे और बहू ने अब उसके साथ सर खपाना छोड़ दिया था। वो दोनों मेहनती से लोग थे। बरगद के नीचे कोहलों में सारा दिन बेल घूमता था और बोरियों से वो उलझते रहते। इन्हें ग्राहकों की फिक्र थी, आने वाले मौसमों की फिक्र थी, इन बच्चों के ब्याह की फिक्र थी, जिन्हें अभी ठीक से अपनी नाक साफ करने भी नहीं आती थी। रात की रोटी खाते तो सुबह के नाश्ते की फिक्र थी। बस उन्हें फिक्र नहीं थी तो अपने बैल की फिक्र नहीं थी। मैंने उसे कभी बैल को मारते या ज़बरदस्ती चलाते नहीं देखा कि वो तुम्हारी झंडी की सरगोश के ऊपर तेज चलने लगता था। नानी कहती थी कि वो पहुँची हुई है और घर में अगर कोई अच्छी चीज़ बनाती तो बड़े इल्तिजाम से छोटी प्लेट में रख कर उसे साफ कपड़े से ढककर मुझे देती ताकि मैं उन्हें दे आऊँ। माई झंडी भी जैसे इसकी आदी हो गई थी। मेरे हाथ में प्लेट दूर से देख कर नारा लगाती कि देखें आज मेरे अल्लाह पाक ने मेरे लिए क्या भेजा है। शुरू शुरू में मैं चिढ़ जाती और तिलमिला कर कहती, ये नानी ने भेजा है। सफिया खातून जो चुबारे वाले घर में रहती हैं, और माई झंडी मुस्कुराती, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर भला सफिया खातून को किसने भेजा है। मैं झंझला जाती, भला ये कैसा सवाल था। तब मुझे लगता था जैसे माई झंडी मुझे बच्ची समझकर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करती थी, मगर फिर मैंने देखा इसकी तो हर बात ही अल्लाह से शुरू होती थी। हवा चलती तो शुक्र करती कि मेरे अल्लाह ने क्या ठंडी हवा चलाई है। इसकी बहू गुस्से में आकर इसे कोसने देती तो कहती, अल्लाह पाक आज मुझसे नाराज़ है। बीमार पड़ जाती तो कहती, अल्लाह की चिट्ठी आई है कि माई झंडी हमें भूल तो नहीं गई। चिड़िया गाती तो कहती, सुबहान अल्लाह। गधा बोलता तो उसकी तरह मुस्कुरा कर देखती और कहती, तेरे सा खुशकिस्मत कौन होगा भला, जिसका जिक्र खुद अल्लाह ने अपनी पाक किताब में किया है।
माई झंडी इतना अल्लाह अल्लाह करती कि उलझन होने लगती। मैं तो उस घर से थी जिसमें अल्लाह की किताब को भी गिलाफ में लपेट कर अलमारी के सबसे ऊंचे खाने में रखी रहल में रखा जाता था। हमारा अल्लाह बहुत बड़ा था, बहुत ज़बरदस्त, जैसे कोई बहुत बड़ा शनशाह हो। पर माई झंडी के करीब आकर जैसे अल्लाह एक दोस्त में बदल जाता था, जो उसे देख कर मुस्कुराता था, उसके साथ खेलने को मचलता था, ऊंचे दरख्तों पर लगी कच्ची अंबियाँ तोड़ने से नहीं घबराता था। हमारा अल्लाह तो पूरे जहान का मालिक था, जिसे पूरी कायनात को नज़्म व नस्क चलाना होता था, और माई झंडी के अल्लाह को तो जैसे कोई दूसरा काम ही नहीं था। वो तो बस अगर सारी दुनिया की कीले घुमा रहा था तो सिर्फ इसलिए कि माई झंडी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। हमारा अल्लाह माई झंडी के अल्लाह से बहुत जुदा था, इसलिए मुझे हमेशा माई झंडी के करीब जाने से उलझन होती। पर नानी जब भी कोई खाने की चीज़ देती तो मुझे जाना ही पड़ता, उसकी दुआएँ सुननी पड़ती, उसका झुरियो ज़दा हाथ अपने सर पर फिरवाना पड़ता। हाँ, अलबत्ता मज़े की बात यह थी कि वो हमेशा मुझे अपने खाने में शरीक भी कर लेती, और यूँ मैं घर में तो अपना हिस्सा खाती ही, मगर माई झंडी के साथ भी खूब मज़े से खाती। माई के पास हर सवाल का जवाब होता था, पर कभी कभी ऐसा होता कि वो बस इतना कहकर खामोश हो जाती कि ये बात बस मैं जानूँ या फिर मेरा अल्लाह जाने, और कहती भी बड़े अजीब अंदाज में। जब वो मैं जानू कहती तो उंगली से आसमान की तरफ उंगली उठाती, और जब मेरा अल्लाह जाने कहती तो उंगली अपने दिल पर रख लेती, और ऐसा करते हुए उसकी आंखें यूं जमी रहती जैसे किसी गैर मरी शेर को तकती हों। शुरू में तो लोगों ने इसे एक इत्तेफाक ही समझा, और कुछ ने शायद इसकी तवज्जो दिलाने की कोशिश भी की, मगर वो हमेशा ऐसे ही करती रहती। और अब अगर मैं इसे सोचने जाऊँ तो दिल में एक फांस ही पड़ जाती है, न जाने वो क्यों जानते बूझते ऐसा करती थी। मैं हमेशा माई से छेड़ती ही रही, कोशिश करती कि मैं इसकी बेसरोपा बातों पर ज़्यादा ना सोचूं, मगर एक दिन मेरे कान खड़े हो गए जब वो मेरी खाला से बात कर रही थी। खाला न्यू यूनिवर्सिटी गई थी और फ़लसफ़ा पढ़ती थी, इसलिए सारा दिन इल्मी बहसों में उलझना उनका शौक था। उस दिन उन्होंने बड़ी तहकीर के अंदाज में माई झंडी से पूछा, माई तुझ में और तेरे ज़बेल में क्या फ़र्क है भला? फ़र्क तो है बेटा, हैं तो दोनों अल्लाह की मखलूक, पर फ़र्क तो है। फ़र्क हमारी टांगों, दिमाग या फिर बोलने का नहीं, बल्कि किसी और शे का है। दुनिया देखने के लिए जानवरों को शीशे का टुकड़ा मिला है और हमें अच्छा मिला है। तू भी सोचती होगी कि भला शीशे के टुकड़े और अच्छे में क्या फ़र्क है। माई ने भी कहाँ का टुकड़ा कहाँ लगा दिया, पर फ़र्क हमें इतना ही है। शीशे के टुकड़े से दुनिया देखो तो क्या होता है? कुछ भी नहीं, बस मंजर थोड़ा धुंधला हो जाता है। शीशा रंगदार हो तो अजीब से रंग भर जाते हैं, और अगर दुनिया के सबसे शफाफ शीशा भी मिल जाए तो बस मंजर को हूबहू वैसा दिखा देता है जैसा कि वो है। पर मेरे अल्लाह सोने ने तो कह दिया है कि दुनिया धोखा है, फिर इसी खुली आंखों से देख भी लो तो क्या मिलेगा? जानवर शीशे के टुकड़े से दुनिया देखते हैं और मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं, धोखे में मिलकर खुद भी धोखा हो जाते हैं। पर इंसान की बात दूसरी है, इंसान को देखने के वास्ते शीशा नहीं तरह तरह के अच्छे मिले हैं। हर हदसा मुख्तलिफ है, कोई चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, कोई दूर कर देता है, कोई उल्टा कर देता है, कोई मक्खी को इतना बड़ा करके दिखाता है कि वो हाथी जैसी लगने लगे। अदसा हमें दुनिया नहीं दिखाता बल्कि अक्स दिखाता है, अक्स जो हमें रुलाते हैं, हंसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। दुनिया धोखा है पर अक्स सच्चा है, जो हमारे जहन में बनता है। अल्लाह ने हम पर बड़ी मेहरबानी की जो हमें ये नज़र दी है, और एक हम हैं जो अक्स छोड़कर शीशे के टुकड़ों के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। हकीकत ढूंढते हैं जो कोई है ही नहीं। हकीकत कोई नहीं, और अगर है भी तो इसके इतने रंग हैं जितने अल्लाह पाक के बंदे हैं। हम 2 + 2 = 4 करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने सच ढूंढ लिया, पर 2 तेरी आंखें और 2 मेरी आंखें मिलकर 4 तो नहीं होती ना। उन्हें जितना भी जमा कर लो, पर सच यही है कि 2 आंखें तेरी रहेंगी और 2 मेरी। तेरी 2 आंखें कभी इस मोहब्बत से मेरे बेल को देख सकेंगी जिससे मेरी आंखें देखती हैं? जानवर के सामने उसका बच्चा मर जाता है पर वो रोता नहीं। जानवर के सामने इसका पूरा जंगल जला दो पर उसे समझ नहीं आती कि उसका क्या छिन गया है। ये हमारी नज़र है जिससे हम चीज़ों को समझते हैं, अल्लाह पाक की हिकमत को समझते हैं।
इससे बातें करते हैं। जब जब हम रोते हैं तो समझो कि वो हमसे बात कर रहा है। हम हंसते हैं तो वो हमारे साथ है। शीशे के टुकड़े से देखोगे तो आर पार नजर आएगा और अच्छे से देखोगे तो अक्स नजर आएगा। दुनिया असल नहीं है, दुनिया अक्स है। मैंने खाला को इतना खामोश कभी नहीं देखा था। उस दिन मुझे लगा जिसे क्या पता माई ने वाकई अल्लाह को देखा हो। एक दिन दोपहर को जब माई सुस्ताने को थोड़ी देर को जमीन पर लेट गई तो मैंने आहिस्तगी से पूछा, माई क्या तूने वाकई अल्लाह को देखा है? तुझे यकीन क्यों नहीं आता? अल्लाह कोई वो बड़ा बादशाह तो है नहीं जो किसी दूर दराज आसमानों पर रहता है। अल्लाह तो हर शय में है। अब जो हर शय में है उसे देख लेने पर हम सब इतना हैरान क्यों होते हैं? माई ने कहा, हाँ अगर कोई अल्लाह को नहीं देख सकता तो हमें इस गरीब पर अफसोस करना चाहिए। हर शय के दो रूप हैं, एक जाहिर और एक बातिन का। जाहिर का रूप दुनिया है और बातिन का रूप अल्लाह। जब कोई नजर बातिन का रूप देख लेती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। मैंने पूछा, माई अल्लाह कैसा है? माई हंस पड़ी, ये बात बस मैं जानूं या मेरा अल्लाह जाने? माई ने तो जैसे मुस्कुरा कर सवाल टाल दिया, पर मैं छोड़ने वाली नहीं थी। मोहल्ले की हर बूढ़ी औरत से मेरा एक ही सवाल होता कि माई झंडी ने अल्लाह को कहाँ देखा। किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर एक दिन मैं एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ बैठकर माई झंडी के पास आई और दोनों वहीं जमीन पर बैठकर घंटों बातें करती रहीं। मैं एक प्लेट में कुछ लेकर आई तो माई झंडी ने बताया कि वो उसकी बचपन की सहेली है, तब की जब वो लोग मेरी उम्र के होते थे। मुझे लगा कि जैसे अब वो मौका आ गया है। मैंने नानी से कहकर हमारे चौबारे पर उनका और उनके बेटे का बिस्तर लगवा दिया। वो लोग काफ़ी दूर से आए थे और माई झंडी के छोटे से घर में उनके सोने का इंतज़ाम तो हो नहीं सकता। रात वो बिस्तर पर लेटी तो उनका बेटा तो लेटते ही सो गया, मगर मैं उनके पास बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी और फिर पूछा कि क्या माई झंडी हमेशा से ऐसी ही थी या फिर उस वक़्त बदली जब उन्होंने अल्लाह को देखा। वो मुस्कुराई, मुझे नहीं पता उसने अल्लाह को देखा या नहीं, पर वो ऐसी नहीं थी। दिल्ली में तो हम दोनों शैतान के चरखे थे। पूरा मोहल्ला हमारी शरारतों से तंग था। फिर पाकिस्तान आने की आवाज़ पड़ी तो हमारी जैसे दुनिया ही बदल गई। हम दोनों एक ही ट्रेन में पाकिस्तान को चले, पर मुख्तलिफ डब्बे थे। रास्ते में कहीं ट्रेन आहिस्ता हुई तो बहुत से बलवाई पिछले डब्बों पर चढ़ाए और लोगों की दिल दहलाने वाली चीखें हमारे डिब्बे तक आती थी। मैंने लोगों के चेहरे पर इतना खौफ कभी नहीं देखा। माई दोनों हाथों से बच्चों के कान बंद करती थी कि वो डर न जाएं, मगर मेरे कान इन चीखों के बीच अपनी सहेली की आवाज़ खोजते थे। चीखें करीब आती गईं और फिर शोर मचा के स्टेशन की रोशनियां नजर आ गईं। स्टेशन पर शायद फौज के बंदे थे। बुलवाई इससे पहले ही भाग गए। फौजियों ने आधी ट्रेन कटी देखी तो उन्होंने से रोके बिना इसी तरह आगे भेज दिया। पाकिस्तान में स्टेशन पर उतरे तो अजीब मंजर था। डब्बों के दरवाजों से खून रस्ता था। मैं भागी भागी उसके डब्बे तक पहुंची तो लाशें दरवाजे तक आ गई थी और मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे इर्द गिर्द बच्चे कुछ लोग अपने बच्चे बूढ़े और सामान लिए कैंप की तरफ जाते थे। ऐसे मैंने उसे देखा जो एक नौजवान लड़की की लाश अपने हाथों पर उठाए डब्बे से उतर रही थी। उसका पूरा जिस्म खून में डूबा था, पर फिर भी वो बड़े सुकून से चल रही थी। मेरी सहेली जब पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरी तो उसका सासा बस एक लाश थी। इसे बहुत से लोगों ने समझाया कि लाश छोड़ दो। किसी नर्स ने इसके जिस्म से रस्ते खून पर मरहम लगाने की कोशिश भी की, मगर उसने सबके हाथ झटक दिए। कैंप के बाहर जब लाश को दफनाया गया तो वो 3 दिन तक इस कब्र के सरहाने बैठी रही और फिर चुपचाप खेमे में आ गई। पर वो खेमों में किसी मुहाजिर की तरह नहीं बैठी, बल्कि पहले ही दिन से काम करने लगी, खिदमत करने लगी। हर वो काम जो कोई दूसरा ना करता निर्दोष करती। एक दिन हम दोनों सोने को लेटे तो उसने खोए खोए लहजे में मुझे बताया, पता है मैंने अल्लाह को देखा। उसने मुझे देखा और वो हंस पड़ा। मुझे लगा जैसे वो सुठिया गई है, पर वो बोलती रही। इंसान बड़ी कमली मखलूक है, हाथ से तलवार नेजे रोकने की कोशिश करता है। हमारे डिब्बे में जब शोर उठा और मर्द दरवाजे की तरफ बढ़े तो वहाँ कोई नहीं था। बस हवा में तैरती हुई तलवारें थी, भाले थे। कोई होता तो उसे रोकते भी। अब भला कोई खाली हाथ तलवार को कैसे रोके?
लोग कट कट कर गिरते थे, कोनों में सिमटते रहे, पर सीधी सी ट्रेन में भला कोने ही कितने थे। मुझे भी बर्छी लगी, मैं गिरी और मेरे ऊपर एक दूसरी लड़की गिर गई, कुछ ऐसे कि इसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे देखती थी, आंखें जिनमें तकलीफ थी, खौफ था, आंखें जो सहमी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह अपने ही जिस्म में सिमट जाना चाहती थी। चीखें अब कम होती जा रही थी, तलवारें अब लाशों के बीच सांस लेते जिस्म ढूंढते थे, जहां जिंदगी की हल्की सी रमक भी दिखाई देती तो सीने में चाकू का पूरा फल घुसेर देते। ऐसे में किसी ने इस लड़की के जिस्म में एक बर्छी मारी। मैंने इसकी आंखों में इतनी अजियत देखी कि जिसके सामने पूरी दुनिया की तकलीफें छोटी पड़ जाएं। अजियत जिसके बाद आपका अपने जिस्म पर, सांस लेने पर, जिंदा रहने पर कोई दावा नहीं रहता। दावा रहता है तो बस एक चीख पर, जो इतनी अजियत के बाद तो आपका हक बन जाता है, हक जिसे जालिम से जालिम कातिल भी देने से इनकार नहीं कर सकता। वो आंखें इतनी फैल गईं कि इनके कोने से खून की लकीर निकलने लगी, लेकिन वो चीखी नहीं। शायद जानती थी कि अगर चीखी तो सब मुतवज्जो हो जाएंगे। वो अब अपने आप को तो नहीं बचा सकती थी, पर अगर वो अपना आखिरी हक छोड़ देती तो शायद कातिल मुझे भूल जाते। वो चुप रही। उसने ऐसा दम साधा कि मुझे खौफ आने लगा, और फिर मैंने इसकी फैलती हुई पुतलियों के बीच अल्लाह पाक को देखा, जो इस लड़की को लेने खुद आया था। उसने बड़ी मोहब्बत से लड़की को अपने हाथों में थाम लिया, और एक लम्हे में मेरी नज़र उससे मिली। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, और फिर वो हंस पड़ा कि इसने मेरी सोच पढ़ ली थी कि भला मैं इतनी हिम कब से हो गई कि मुझ पर मेहरबानी करने वाली लड़की को लेने खुद अल्लाह आया था। वो हंस पड़ा जैसे कहता हो कि मैं तो हमेशा से तेरे पास ही था, पर तूने कभी मुझे देखा ही नहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, वो बोलती रही। मेरी सहेली कहती थी कि हर शय के दो रूप हैं, एक जाहिर का और एक बातिन का। जाहिर का रूप दुनिया है और बातिन का रूप अल्लाह है। जब कोई नज़र बातिन का रूप देख लेती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। उसने भी बातिन का रूप देख लिया और फिर उसने कभी नज़र ना झपकी। अगले दिन बूढ़ी अम्मा चली गई। माई झंडी की जिंदगी वैसे ही चलती रही। वो बेलों से बातें करती, कहती कि उसने अल्लाह को देखा है। लोगों की ऊट पटांग बातों पर झुन चलाती नहीं, वो वैसी ही रही, पर मैं बदल गई। अब मैं हर शाम बड़े इल्तिज़ाम से अपने हिस्से में से बचा कर उसके लिए प्लेट भर कर कुछ खाने को लाती, और बड़ी देर उसके पास बैठ कर अल्लाह की बातें सुनती। मैंने पढ़ने को शेर छोड़ा तो जैसे सब कुछ छूट गया, और फिर बहुत सालों के बाद लौटी तो बहुत कुछ बदल गया था। झंग बाज़ार में बरगद का पेड़ कट गया था, उसके नीचे कोई कोलो नहीं था। एक दुकान थी जिसमें एक मशीन लगी थी, जिसमें माई झंडी का बेटा मुंह पर रुमाल रखे काम कर रहा था। माई झंडी जा चुकी थी। दिल में आया कि पूछूं, भला माई झंडी गई तो बेलों ने तेज चलना छोड़ दिया था इसलिए मशीन लगा ली, या कोई और बात है। पर फिर ये सोच कर रुक गई कि भला इस गरीब को क्या पता कि माई झंडी कौन थी। इतनी बड़ी दुनिया है और मैंने माई झंडी के सिवा कोई ना देखा जो ठोंक बजा कर कहता हो कि उसने अल्लाह को देखा है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।